काकोरी बलिदान दिवस की याद में महंत दिग्विजयनाथ पार्क में होने वाले देश के 750 जोनों के सबसे बड़े ड्रोन शो कार्यक्रम के मद्देनजर सोमवार को 2 बजे से कार्यक्रम के समाप्ति तक पैडलेगंज से नौकायन एवं नौकायन से पैडलेगंज तक रूट डायवर्जन रहेगा तथा पार्किंग की अलग व्यवस्था रहेगी, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि देवरिया बाईपास की तरफ से आने वाले 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में पार्किंग स्थल पर पार्क होंगे। पैडलेगंज की तरफ से काकोरी बलिदान दिवस में आने वाले 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के सामने खाले मैदान एवं प्रेक्षागृह के बाएं तरफ सड़क पर पार्क होंगे। पैडलेगंज की तरफ से आने वाले सभी प्रकार की बसें चंपा देवी पार्क में खड़ी होगी। पैडलेगंज चौराहे से कार्यक्रम में आने वाले सभी वाहनों को छोड़कर बाकी वाहन अमर उजाला मार्ग से होकर जाएंगे तथा ट्रांसफार्मर तिराहे से कार्यक्रम में आने वाले सभी वाहन को छोड़कर सभी वाहन हनुमान मंदिर देवरिया बाईपास मार्ग से जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, जनपद गोरखपुर में महंत दिग्विजयनाथ पार्क में कल काकोरी बलिदान दिवस का कार्यक्रम है शहीदों की याद में। उस कार्यक्रम में भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया गया है। उस दौरान काफ़ी पर्यटक एवं कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले बच्चे एवं गोरखपुर के जनप्रतिनिधि आएंगे। उस पर कार्यक्रम में जाने वाले लोगों को छोड़कर से सभी प्रकार का यातायात पैडलेगंज से महंत दिग्विजयनाथ पार्क की तरफ और ट्रांसफार्मर तिराहा से महंत दिग्विजयनाथ पार्क की तरफ प्रतिबंधित किया गया है। केवल कार्यक्रम में शामिल होने वाले वाहन जाएंगे और उन वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था, बसों की व्यवस्था, बसें बच्चों को कार्यक्रम स्थल पर छोड़ के उसके बाद चंपा देवी पार्क में आएंगी और जितने फोर व्हीलर्स होंगे फोर व्हीलर सब गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के चारों तरफ पार्क कराए जाएंगे और जो टू व्हीलर्स होंगे टू व्हीलर्स ट्रांसफार्मर तिराहे पर महंत दिग्विजयनाथ पार्किंग में पार्क किए जाएंगे। और जिन लोगों के लिए उस रास्ते उनके लिए जो डायवर्जन की व्यवस्था दी गई है, डायवर्जन के लिए हनुमान मंदिर देवरिया बाईपास का इस्तेमाल और अमर उजाला की तरफ से डायवर्टेड वाले वाहन जाएंगे। मेरा सभी से अनुरोध है कि इस डायवर्जन प्लान को ध्यान में रखते हुए ही अपनी यात्रा का कार्यक्रम बनाएं और ये डायवर्जन दिन में 2 बजे से लागू होगा और शाम को कार्यक्रम के समापन यानी कि शाम को 8-9 बजे तक डायवर्जन रहेगा। थैंक यू।